नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं आज जिस पौधे के बारे में बात करने जा रही हूँ वह है ये नीलकंठ का पौधा। इसे अपराजिता का पौधा, शंख पुष्पी का पौधा, नीलकंठ या विष्णुकांता अनेक नामों से जाना जाता है। दोस्तों, नीलकंठ का पौधा वास्तु की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, तो आप सबको यह पौधा अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। अब बात आती है कि यह पौधा हमें अपने घर में किस दिन लगाना चाहिए, तो इसे लगाने के लिए सबसे अच्छा दिन होता है गुरुवार और शुक्रवार का दिन। इन दोनों में से किसी भी दिन आप लगा सकते हैं, अगर हो सके तो यही दिन आप चुनिए। और अगर दिशा की बात है कि किस दिशा में ये पौधा लगाएं, तो इसके लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर की दिशा है, पूर्व की दिशा है या उत्तर पूर्व, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, वहाँ भी हम इसे लगा सकते हैं। इस दिशा में लगाने पर हमें जो नीलकंठ का पौधा है उससे और ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हमारे घर का वातावरण बहुत ही अच्छा रहता है। तो कोशिश करें इसे उत्तर पूर्व, उत्तर या पूर्व की दिशा में लगाएं। अब बात आती है कि इसमें कौन सी खाद डालनी चाहिए। महीने में दो दिन एक एक मुट्ठी गोबर की खाद आप डालें, और अगर बारिश ज़्यादा हो रही है आपके यहाँ तो गोबर की खाद की जगह आप कुछ दाने सीवीड एक्सट्रैक्ट के भी डाल सकते हैं या तो वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।